शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। मुमल, मैं अपनी मन्नत ने अधूरा ना छोड़ सकूं। जब मैंने मांगी हुई मन्नत पूरी ना की तो विक्रम पर विपदा आ सके। मैं तो खुद भी ये सोचकर परेशान हूँ, मगर आप तो जानती हैं दादी साहब रोहित जी की बात को कितना सीरियसली लेती हैं। ताया साहब भी खुश हैं, आपके और भाई साहब के दर्शन के सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने कर दिए हैं। मैं तो ये बात सुन के ही सकते में आ गई थी। भाभी साहब विक्रम को दिया वादा कैसे निभाएंगी? हमारे को विक्रम से किया वादा पूरा करना है। इस बार मैं किसी भी कीमत पर अपना वादा ना तोड़ना चाहूँ। तारे भाई साहब ने मारे से कहा था कि अगले हफ्ते जानो है, और बच्चे की सलामती वास्ते मैं राजी भी हो गई। पर आज आज के आज जानो उफे को मुमल के करूँ मैं? भाभी साहब एक रास्ता है के आप दादी साहब को जाकर कहें कि प्रोग्राम को टाल दे और अगले हफ्ते की तैयारियां कर दे। मुमल, दादी साहब ने हमारे बच्चे वास्ते ये दर्शन यात्रा रखी पुरोहित साहब के कहने पर। अब मैं कैसे कहूं उनसे? हमारी दुविधा समझ मुमल। जे आज मैं थारे भाई साहब के साथ दर्शन वास्ते जाती हूँ तो तुम्हारी मन्नत टूट जाएगी, और जब मैं दर्शन वास्ते जाने से मना कर दूंगी तो घर में कई सवाल खड़े हो जाएंगे, और मैं किसी ने बता भी ना पाऊंगी कि मैंने विक्रम से वादा किया है। मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? भाई साहब और आप इस दर्शन के लिए अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, और इस तरह आपकी मन्नत भी नहीं टूटेगी। अगर प्लीज भाभी साहब इस बार विक्रम से किया हुआ वादा मत तोड़ना, वरना आपको जिंदगी भर ये गिल्ट रहेगा। भाभी साहब कोई ऐसा बहाना क्यों नहीं बना देती? मैं अपनी सच्चाई के आईने को चूर होते देख चुकी हूँ मुमल। अब मैं झूठ को सहारा ना लेना चाहूँ। अगर आप सच्चाई बयान भी करेंगी तो कोई भी समझने को तैयार नहीं होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो सच भी हो और झूठ भी ना हो। भाभी साहब मैं जाकर दादी साहब से बात करती हूँ। क्या बोलेगी तू उनसे? घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिसका जवाब आपको देना पड़े। यकीन है ना मुझ पर? अच्छो कियो जो तू चली आई। मैं थारे को यो खुश खबर देना चाहती थी। मैं रसाल को रणवीर के साथ दर्शन के वास्ते भेज रही हूँ। जी दादी साहब मुझे पता चला, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ रिक्वेस्ट करने। अब रिक्वेस्ट जैसी बात करके औपचारिकता ना दिखा, बोल के कहनो है? दादी साहब आप रसाल भाभी साहब और रणवीर भाई साहब को तीर्थ दर्शन के लिए अगले हफ्ते भेज दीजिए ना। काहे? दादी साहब रसाल भाभी साहब का अकेलापन दूर करने के लिए मैं चाह रही थी कि वो शॉपिंग करने में मेरी मदद करें। शॉपिंग में मदद? वो मोहित बिजनेस स्टोर से लौट रहे हैं। उनके आने के पहले मैं अपने कमरे को सजाना चाहती हूँ, कमरे को थोड़ा रीअरेंज करना चाहती हूँ। बस इसी में रसाल भाभी साहब की मदद चाहिए थी। अरे ये तूने मारे को पहले काहे ना बताया? अब तो दोनों के टिकट भी आ गए हैं और दोनों की तैयारी भी हो गई है। ये टूर पोस्टपोन भी तो हो सकता है ना दादी साहब? रोहित साह ने आज ही का तो मुहूर्त नहीं निकाला होगा ना, क्योंकि भाई साहब तो अगले हफ्ते जाने की बात कर रहे थे। प्लीज दादी साहब आप रोहित साह से कहिए ना कि आप भाई साहब और भाभी साहब को अगले हफ्ते भेज देंगी दर्शन के लिए। प्लीज मुमल, दोनों के दर्शन के वास्ते मारे को पुरोहित साह ने ना कहो है। क्यों मारी सोच है? इस बहाने दोनों साथ साथ रहेंगे, उनको भगवान जी महाराज के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे और दोनों की दूरियां भी दूर हो जाएगी।
अब तू इतनी हैरान काई हो रही है? तूने ही तो कहा था ना कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। अरे रसाल ने तो रणवीर की उम्मीद भी छोड़ दी है। इसी वास्ते थारे कहने के बाद तो सोच के मैंने ये रास्ता निकालो है। काई थारे को खुशी ना है कि दोनों साथ साथ रहेंगे? हाँ दादी सर, क्यों नहीं, मैं भी तो ऐसा ही चाहती थी। पर मगर ना कर, रसाल और रणवीर दोनों दर्शन वास्ते जाने को राजी हो गए हैं। उन दोनों को कोई भी रुकावट आने से पहले जाने दे। अब रही बात थारे शॉपिंग की, तो मोहित के आने से पहले थारा कमरा सजाने में मैं थारी मदद करूंगी, ठीक है? जी दादी साहब। अब खड़ी क्या है, जा जाके रसाल को पैकिंग करने में मदद कर। जी दादी साहब। ये बात मैंने ही तो कही थी दादी सा से कि रसाल भाभी सा भाई सा से दूर होती जा रही हैं। मैंने दादी सा से ये भी कहा था कि आप भी रसाल भाभी सा के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, जिससे वो भाई सा के करीब रहें। दादी सा ने ये फैसला भाभी सा के हित के लिए ही तो लिया है। और तुमने जो रसाल भाभी सा से कहा कि वो अपनी मन्नत ना तोड़े, उसका क्या होगा मुमल? ये सब भी तो रसाल भाभी सा की खुशी के लिए ही हो रहा है ना। खुशी ना मुमत, ये तो तुम्हारी रसाल भाभी सा के साथ एक और मजाक हो रहा है उनके होने वाले बच्चे की आड़ में। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। रसाल ने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए दादी सा के प्रस्ताव को मान रही है, इसलिए अगले हफ्ते दर्शन के लिए जाना चाहती है। मगर आज उसकी प्राथमिकता अपनी मांगी मन्नत को पूरा करने की है, विक्रम को दिया वादा निभाने की है। ऐसा तुमने भी तो उससे कहा था, पर तुम बदल कैसे गई मुमल? मैं बस रसाल भाभी सा की भलाई चाहती हूँ। नहीं, तुम उसकी भलाई नहीं चाहती बल्कि उसको भटका रही हो। तुम्हारे भाई सा रुक्मी के बहकावे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीर्थ से लौटने के बाद भी रसाल अकेली ही रहेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रसाल भाभी सब भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं। वाह, एक भगवान से मन्नत तोड़कर दूसरे भगवान के पास जाएगी? विक्रम से मिल रही खुशी को छोड़कर रणवीर के छलावे को पाना चाहेगी? मुमल मत भूलो के दो नाव पे सवार होने वाले को कभी किनारा नहीं मिलता, वो डूब जाता है। और फिर तुम ये क्यों बोल रही हो कि तुमने रसाल को भरोसा दिलवाया है कि तुम दादी सा से बोलकर इस तीर्थ यात्रा को पोस्टपोन करा दोगी? अब उल्टा तुम ही रसाल को रणवीर के साथ भेजना चाहती हो, बेचारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती हो? तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? उसे धोखे में मत रखो। उस बेचारी ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, उसे पाने की आस मत दिखाओ। बता दो उसे सच्चाई, रसाल को खुद फैसला लेने दो। आज वो खुद के फैसले लेने के लायक हुई है, उसे उसके फैसले से मत डगमगाओ, वरना उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, रेत की तरह उसकी मुट्ठी से सब निकल जाएगा। उसे बता दो सारी सच्चाई क्या है, उसे खुद फैसला लेने दो मुमल। तुम उसकी हमदर्द हो, उसे और दर्द मत दो। बता दो उसे सच्चाई मुमल, बता दो, उसे खुद फैसला लेने दो। अटके करी है, मैं वहां कमरे में तारी वार देख रही थी। तूने दादी सा से बात की ना, वो मार गई ना अगले हफ्ते वास्ते। अरे बोल ना, तू चुप क्यों है? भाभी साहब, आपसे एक झूठ कहा गया है। के? आपको आपके बच्चे के सलामती के लिए भाईसा के साथ दर्शन पर जाने की सलाह पुरोहित जी ने नहीं दी थी। तायसा? अरे रणवीर बेटा, आपने बुलाया मुझे? अरे आ बेटा, ये ले, ये थारे दर्शन के टूर की टिकटें हैं और होटल बुकिंग की कंफर्मेशन। तायसा ये तो मैं ही करा लेता। अरे बेटा, जानू हूं कि तू खुद कर लेता,
लेकिन मारे को भी तुम्हारी मासा का हुकुम मानना पड़ो है। तो ऐसा कहीं दादी सा को ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं इस बात को टाल जाऊंगा? अरे ना छोरा, ऐसा ना है। तू तो जानो है कि मारे मासा का कहना है जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब करो। इसलिए मैंने मुमल को भेज दियो है रसाल के कमरे में पैकिंग कराने वास्ते। अब तू भी जाकर फटाफट पैकिंग कर ले। तो ऐसा हमें आज ही जाना है? अरे आज ही नहीं छोरा, अभी जाना है, कुछ ही देर में। तू क्या सोच रहा है, कोई समस्या है थारी? नहीं कुछ नहीं था ऐसा। आखिर ये टूर हमारे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए, मैं अभी जाके पैकिंग कर लेता हूँ। जा छोरा, माता जी महाराज तुम दोनों की मनोकामना पूरी करे। अरे सुन छोरा, रसाल का घनी अच्छी तरह से ख्याल रखना ये दो हफ्ते। के होए हो बेटा, तू किस सोच में पड़ गया है? तो ऐसा ये टूर तो 3-4 दिन में भी पूरा किया जा सकता है ना, तो फिर 2 हफ्ते किस लिए? देख बेटा, रसाल माँ बनने वाली है, इस वास्ते उसे ज्यादा स्ट्रेस ना देना चाहिए। उसे घनों आराम की जरूरत है, इसलिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर के बीच उसका आराम करना घनों जरूरी है। इस वास्ते हमने 2 हफ्ते का टूर अरेंज कियो है। ठीक है ताया साहब, आपने और दादी साहब ने जब ये फैसला ले लिया है तो फिर आपके हुक्म का मैं पालन जरूर करूंगा। मैं चलता हूँ। कठे भेज रहे हैं आप लोग रणवीर ने? मैं और मासा रणवीर के होने वाले बच्चे की सलामती वास्ते उसे तीर दर्शन पर भेज रहे हैं। पुरोहित साह के कहने। पुरोहित साह हवेली में कब आए थे और मारे से मिलकर भी ना गए? इसके वास्ते मारे को रणवीर से झूठ बोलना पड़े। मासा की उनसे फोन पर बात हो गई थी, अब जरूरी तो ना है ना कि मिलकर ही बात होवे। सुमीर उठ। अरे जीजी, सपने में तो मुझे चैन से रोने दिया करो। सुमीर उठ। अरे सपने में भी आप हकीकत जैसी लग रही हो जीजी। उठ, अभी भी सपना लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, यो थप्पड़ तो हकीकत ही है। ये बात क्यों हुई जीजी? वो रसाल और रणबीर दर्शन वास्ते अभी जा रहे हैं, वो भी अपने बच्चे की सलामती वास्ते, और तुम्हारे से पूछा कि क्या आफत है? अरे जीजी, मारा भाण जो दिव्या ही नहीं करना चाहे तो वो कट्टे से अपनी बीवी और बच्चे को मंदिर लेके जावे। तू तुम्हारे को ये बता कि तूने मारा काम किया कि ना जो मैंने थारे को बोला था। एक मिनट जीजी, आप रणवीर रसाल मारा काम सब एक साथ मिक्स कर रहे हो और ऊपर से मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। ये थारी कच्ची नींद है? अरे सवेरे के कितने बजे थारे को खबर भी है? अरे जीजी, अब आपसे क्या बहस करूं, अपना तो जब नींद खुलती है तभी सवेरा। अब मुद्दे की बात करो आप। सुमीर, वही तो बोल रही, तूने दीप के दिमाग में ये बात डाली कि ना कि अब मैं उसकी मदद ना करूंगी। अरे जीजी, दीप के दिमाग में तो हमेशा शराब रहे। खैर आप जाओ, मैं फ्रेश होकर आऊं और उसके दिमाग को भी फ्रेश करूं। लेट्स गो। उठ पांडे, उठ। अरे उठ। अरे भांजे, मैं कोई तानसेन के घराने का नहीं हूं कि तेरे को राग झिंझोटी गा के उठाऊं। अरे उठ, उठ ना भांजे। मामा साहब, सुबह सुबह अपना बेसुरा राग अड़ापना बंद करो और अट्ठे से जाओ आप। अरे राग नहीं है भांजे, थारे पे बरसने वाली आग है। यदि जीजोसा को पता चल गया कि मोहित की एब्सेंस में तू ऑफिस को इग्नोर कर रहे हो है, तो पचे क्या होगा? तो मामा साहब जाके बोल दो
माथा ने की कोई बहाना बना दिया। बोल देना कि रात देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। वाह भांजे, थारे को क्या लगे? रात गई और बात गई? अरे जिस तरह से रात को तूने जीजी से बात की है, तूने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है भांजे। अब उसने तय कर लिया है कि थारी कोई मदद नहीं करे, थारे वास्ते कोई बहाना नहीं बनाएगा। मामा सा जाके बोल दो ना कि दीप से गलती हो गई। अरे भांजे, थारी मासा मारी जीजी है, बिको ईगो बहुत बड़ो है। वो तो मैं हूं जो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देता हूं, लेकिन थारी मासा ने थारी बात गांठ बांध ली है भांजे। वो अब कभी थारी मदद नहीं करेगी। मैं तो कहूं भांजे, तू जा अपनी मासा के पास और माफी मांग ले, वो थारे को माफ कर देगी और फिर सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा? और मासा फिर से मारे ब्याह का और वारिस का राग लापना शुरू कर देगी। इस अच्छा मैं ऑफिस चला जाऊं। अरे कमाल है, जी जी इसके ब्याह के बारे में सोच रही है और ये कुछ सोच ही नहीं रहा है। मारे ब्याह के बारे में कोई नहीं सोचे। अरे सोच सोच की भी अपनी विडंबना होती है, समझो। लेट्स गो। ठाकुर साहब, दो हफ्ते तो देखते देखते बीत जाएंगे, आप इतना सोच का ही रहे हैं। आप बस मारी बात याद रखना, बटे आपको सकारात्मक सोच रखनी, ठीक है? अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको जाना है। रुक्मी, ऐसा नहीं है कि मैं इस धार्मिक टूर पर जाने की वजह से किसी सोच में डूबा हूं। वो तो मुझे जाना ही है। इनफैक्ट मैं खुद जाना चाहता हूं, क्योंकि ये तो हमारे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए है। तो फिर आप इतना सोच का ही रहे हैं। आयरे नहीं, मेरा मतलब है व्यंग। तो देखो रुक्मी, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ हनीमून जाने का प्लान बना रहा था, और अब मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के जाना होगा। ठाकुर साहब, मैं अकेली कठे हूं, यहाँ सब लोग तो हैं। आप मारी चिंता ना करो, आप बस मारी बहन का ध्यान रखना। उसे ये एहसास ना होना चाहिए कि आप उसके साथ होते हुए भी उसके साथ ना है। और फिर आप दोनों के होने वाले बच्चे के खातिर बच्चे की माँ का खुश रहना घना जरूरी है ना? आप बोलिए, आप हमारी ये अर्जी पूरी करेंगे ना? हाँ रुक्मी, जरूर करूंगा। तुम देख लेना, वापस आने के बाद रसाल तुमसे एक भी शिकायत नहीं कर पाएगी। रणवीर, हो गई थारी चलने की तैयारी? हाँ जी, बस कोई जरूरत ना। दर्शन पर जाने की तैयारी करने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि मैं ना चल रही हूं दर्शन वास्ते।